जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लास एंड की थी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सुक्रोज C12H22O11 reacts with water to form glucose and fructose in reaction A, and here you have a reaction A. Suggest a name for this type of reaction. Yes, can anybody identify which reaction is it? कंडेंसेशन कंडेंसेशन। Why condensation and why विराद hydrolysis? अगर आप लोग रिकॉल करें तो ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कंसिडर किया जाएगा। आप जरा डिफरेंस समझ लें हाइड्रोलिसिस और कॉन्डेंसेशन में। ठीक है, जनरल डिस हाइड्रोलिसिस और कॉन्डेंसेशन में डिफरेंस समझ लें। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के एडिशन पे ब्रेक हो जाता है और वाटर से रिएक्ट करने पे वो दो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉन्डेंसेशन में क्या होता है कि दो सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होने पे एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर और अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक HCl। ठीक है, कॉन्डेंसेशन जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोलिसिस के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखें यहाँ पे कितने कार्बन है, 12 कार्बन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 कार्बन हो गए, और यहाँ पे कितने, नहीं सॉरी एक मिनट जी, यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, और यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गए। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? वाटर की एडिशन से जब एक बड़ा मॉलिक्यूल एक स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा होता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। कंडेंसेशन जी, कॉन्डेंसेशन में देखें मैं आसान कर देता हूं, एक मिनट। इफ यू हैव अ बिग मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विद द वॉटर टू फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल ए एंड स्मॉल मॉलिक्यूल बी, दैट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस है। कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल ए और एक स्मॉल मॉलिक्यूल बी कंबाइन होके एक बिग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अ बिगर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर और समटाइम्स HCl, देन दैट इज कॉन्डेंसेशन। जी, क्लियर है सबको? सर, डिहाइड्रेशन में क्या फर्क होता है? किससे? कंडेंसेशन से? ओके, एक मिनट रुक जाएं। हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन का सबको फर्क समझ में आ गया? जी सर, सर अच्छा, डिहाइड्रेशन में भी फर्क देख लें।
देयर इज ओनली अ मॉलिक्यूल ए दैट इज कन्वर्टेड टू अनदर मॉलिक्यूल बी विद द रिलीज ऑफ वॉटर. सो सी द डिफरेंस. कॉन्डेंसेशन में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं और वो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्वाइन होके एक और मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं और साथ वाटर या एक्सियल रिलीज हो रहा होता है. और डिहाइड्रेशन में जो है एक मॉलिक्यूल ए होता है जिसमें कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल बी बनता है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है और साथ वाटर रिलीज हो जाता है. तो ये डिफरेंस है कॉन्डेंसेशन और डिहाइड्रेशन में. इज दिस क्लियर जी सर, जी? बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर, क्यों? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. योर आंसर शुड रेफर स्पेसिफिकली टू दीज टू मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और आपने इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स को रेफर करते हुए अपना आंसर देना है. कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है दोनों में, किस बेसिस पे हम दोनों को आइसोमर कंसीडर कर सकते हैं? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, यू आर गेटिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बोथ आर C6H12O6, राइट? ये बात क्लियर है सबको? जी जी तो एक पॉइंट तो हमारा 2 मार्क्स का है, तो एक पॉइंट तो ये होगा कि बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, नाउ हैव अ लुक क्लोजली ऑन दीज टू एंड कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस? कैन एनीवन आइडेंटिफाई द डिफरेंस? सर, फ्रुक्टोज में कीटोन बन रहा है और ग्लूकोज में नहीं। सॉरी, ग्लूकोज में हुसैन? सर, फ्रुक्टोज में कीटोन है और ग्लूकोज में नहीं। ओके, इसी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड्स पे कार्बन है तो डेट इज अ कीटोन. और इस सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड पे हाइड्रोजन है सो डेट इज एन एल्डिहाइड. एंड इफ यू रिकॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कलेक्टिवली कंसिडर्ड एज कार्बोनिल. दोनों को क्या कंसिडर किया जाता है? कार्बोनिल कंसिडर किया जाता है. जी जी ओके, तो हम यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमने बता दिया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है. इन ग्लूकोस कार्बोनिल इज प्रेजेंट एट दी एंड ऑफ दी चेन बट इन फ्रुक्टोज कार्बोनिल इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ चेन
जी ये बात सबको क्लियर है? सर क्या हम एल्डिहाइड और कीटोन अगर वगैरह लिख के कर सकते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इसको इस बात को इस तरह लिखें कि ग्लूकोस इन ग्लूकोस देयर इज अ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड द इन कीटोन देयर इन फ्रक्टोज देयर इज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, राइट? जी सर, जी ये बात भी सही कंसिडर की जाएगी, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है एंड बोथ आर कार्बोनिल। जी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। तो सर दोनों का कार्बोनाइल होने से ये कैसे मैं पता होगा कि वो स्ट्रक्चरल वाइज समान होगी? स्ट्रक्चरल आइसोमर कितनी तरह के होते हैं विराट? सेम पोजीशन और वो तीसरे आर्बिन यस फंक्शनल ग्रुप जी है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। वो कह रहे 3 होते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन एंड चेन आइसोमर। तो अगर मैंने देखें यहाँ पे ये बात बताइए कि एक में एंड ऑफ दी चेन प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड ओ और एक में कार्बोनल मिडिल ऑफ द चेन प्रेजेंट है, तो मैं उनकी पोजीशन को रेफर कर रहा हूँ कि एक में देखें सी डबल बॉन्ड ओ चेन के एंड में और एक में सी डबल बॉन्ड ओ चेन के मिडिल में है। तो यहाँ से ये बात चल रही है ना कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। जी क्लियर है सबको? स्टिल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। पोजीशन के लिए या फंक्शनल ग्रुप? देखिए उन्होंने आपसे टाइप नहीं पूछी, आप इसको फंक्शनल ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हैं और पोजीशन भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोनिल एंड अल्डिहाइड में फर्क ही पोजीशन का होता है सी डबल बॉन्ड ओ की। ठीक है। नाउ सी पार्ट, रिएक्शन ए अकर्स फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, दिस इज रिएक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो है ये रिएक्शन ए जो है एंजाइम की प्रेजेंस में फास्टर होगा, ठीक है? और अगर एंजाइम नहीं है तो हमने उसको नेम क्या दे दिया, रिएक्शन बी का नेम दे दिया। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन बी इज पॉजिटिव 29 किलो जूल पर मोल, प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन ए। जी सर वैल्यू डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा? क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंस नहीं होगा ना उसका। तो आप क्या बताएंगे, क्या ये जरूरी है कि एग्जैक्टली डबल हो जाए? सर बस 29 से ज्यादा होना चाहिए ना। जी ये बात बिल्कुल सही है कि 29 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप 29 से ज्यादा कोई भी वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आप पॉजिटिव 35 किलो जूल पर मोल लिख दें। एस नो एंजाइम और कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, ठीक है? ये बात क्लियर है? जी ओके, द इंथैल्पी
द रिएक्शन ए इज -14 kJ/mol, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई थी, यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है, प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन बी। सर माइनस जी क्या फोर्टीन से होगा, कम, क्यों सर होनी चाहिए, क्यों माइनस फोर्टीन से कम होनी चाहिए। सर क्यों होनी चाहिए, एक्टिवेशन क्योंकि एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। एक बात बताएं, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है बेटा, ये एंथैल्पी चेंज है। सर तो वो सेम, डिफरेंस कम हो जाएगा अब ना। देखें यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको ट्रिक सर कर दिया है। मोल नेगेटिव अच्छा प्रोडक्ट जरा मेरी सर बात को गौर से सुनिएगा। रिएक्शन ए का हम ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है, रिएक्शन ए का। रिएक्शन ए में कैटलिस्ट नहीं है, और रिएक्शन ए का एक्टिवेशन और इंथेल्पी चेंज क्या आ रहा है, -14, और हमने ऊपर क्या अज्यूम किया है, डेल्टा एच -14 आ रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या अज्यूम की है, +35। अब हम बात करते हैं रिएक्शन बी की। रिएक्शन ए को मैंने आपसे बना दिया पर्पल से, जिसमें जो है एंजाइम प्रेजेंट नहीं। तो सर डेल्टा एच सेम रहेगा ना। बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने डायग्राम बनाई थी ताकि बात समझ में आए। जब मैं बी से स्टार्ट करूंगा तो बी भी वहीं से स्टार्ट होगा, बट एंजाइम की वजह से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, मगर उसका डेल्टा एच में क्या फर्क आएगा। बात समझ में आ रही है सबको, डेल्टा एच तो उसकी भी सेम एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू इधर फॉर विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट, विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम स्टेज द सेम। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, -14 kJ/mol। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक ओके okay. अच्छा नेक्स्ट पार्ट में यही स्केचिंग ही पूछ ली है। स्केच अ लेबल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर रिएक्शन बी, यूज रेलेवेंट वैल्यूज फ्रॉम C1 एंड C2। ओके, रिएक्शन बी किसका था, कैटलिस्ट वाला था, एंजाइम वाला था, राइट। जी सर। तो जी आवाज आ रही है मेरी आप सबको, क्या जी सर आवाज आ रही। ओके। तो देखें अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा यहां पे मेरे पास क्या होगा, फ्रुक्टोज एंड वाटर, और सॉरी नॉट फ्रुक्टोज, सुक्रोज था ना हमारा कंपाउंड, C12 C22। और यहां पे आपके पास क्या होगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो आपके दो कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी +29 थी, और एंथैल्पी चेंज
-14 था। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज C12H22O11 इज कंप्लीटली कंबस्टेड। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 250 ग्राम वाटर इनसाइड द कैलोरी मीटर फ्रॉम 25 to 40.7 डिग्री सेल्सियस। तो देखें, यह आपको मास दे दिया है सब्सटेंस का और ये मास दे दिया है वाटर का। डेल्टा टी हमें यहां से पता चल रहा है, जरा जल्दी से कोई मुझे कैलकुलेट करके बताया क्या आ रहा है। 40.7 माइनस 25। जी 15.7। 14.3 आना चाहिए ना, आई थिंक। जी नहीं मुझे सर, 15.7 सर, 15.7 है। 15.7 है। सर। ओके, अच्छा पहले तो हम देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन ऑफ सुक्रोज। अब देखें यहाँ पे उसने एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन नहीं बोला, उसने बोला एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन ऑफ सुक्रोज। अगर आप एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन की डेफिनेशन रिकॉल करें तो वो क्या थी? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंबस्ट और बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है सबको अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यहाँ पे उसने देखें स्पेसिफाई किया है कि आपको डिफाइन करना है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन ऑफ सुक्रोज, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द एंथैल्पी चेंज इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस की जगह ऑफ सुक्रोज ले रहे हैं। सुक्रोज बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी और अगर एग्जामिनर ने जस्ट बोला होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन को डिफाइन करें या व्हाट इज मीन बाय द टर्म एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, तो हम लिखते हैं इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न इन एक्सेस ऑक्सीजन। मगर यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सुक्रोज का क्या मतलब है, तो इट मीन्स कि वो एनर्जी चेंज जब 1 मोल सुक्रोज बर्न हो एक्सेस ऑक्सीजन में स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? नाउ यूज द डेटा बुकलेट। अब आपके पास डेटा बुकलेट नहीं होगी टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन किलोजूल पर मोल फॉर द कंबस्शन ऑफ सुक्रोज। अज्यूम दैट ऑल ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर टू द वाटर। डेल्टा बुकलेट की क्यों जरूरत है? क्योंकि देखें हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे। वन फॉर्मूला वाज टू फाइंड द हीट एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज वी यूज एमसी डेल्टा टी। मगर एग्जामिनर ने यहां से पे आपको इंथेल्पी चेंज कैलकुलेट करने का कहा है, तो इंथेल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एमसी डेल्टा टी ओवर एन इंटू थाउजेंड। सर डेल्टा बुकलेट की क्यों जरूरत है? सी के लिए सी की वैल्यू होती है 4.18 किलोजूल पर मोल। अच्छा, जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है वो ये कि यहाँ पे जो हम मास यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? वाटर का। सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, ठीक है। और ये जो मोल्स यूज होते हैं ये उस सब्सटेंस के यूज होते हैं जिस सब्सटेंस को यूज किया गया है। तो अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग डेल्टा एच कैलकुलेट करने जाऊं तो माइनस मास ऑफ वाटर हमने कितना यूज किया है? 250 ग्राम। 250 मल्टीप्लाई बाय 4.18 डेट इज सी।
और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आ रहा था, 15.7 डिवाइडेड बाय इनटू 1000। एंड क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस हमने क्या है हमारा सुक्रोज, कितना मास है, मोल्स रखने हैं, तो मोल क्या होते हैं, मास अपॉन एमआर होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय इट्स एमआर, एमआर 12 टाइम्स कार्बन इज 144, 144 प्लस 22 166, एंड 166 प्लस 161 सर ये मल्टीप्लाई आई बाय थिंक थाउजेंड 82। क्यों मल्टीप्लाई बाय 1000 बेटा इसलिए है कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आती है ना वो आती है जूल्स में, और डेल्टा एच हमें चाहिए होता है किलो जूल पर मोल में, तो मैं यहाँ पे 1000 से इसलिए ऐड किया है एक्सप्रेशन में ताकि हमारा आंसर किलो जूल्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी सर? ठीक है सर, जो एन होता है बेटा आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। सर, ये एन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? जी विराट, कैन यू रिपीट अगेन? सर ये फॉर्मूला में एन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा आप मुझे चैट में भेज दें, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही। सर जी ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। रुक जाए मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। एम आपके पास होगा, सर सी को 4.2 नहीं लिखते? नहीं वो देखें 4.2 ना एग्जामिनर आपको देता है क्वेश्चन के साथ, जो अगर अगर एग्जामिनर एग्जामिनर नहीं दी तो फिर हाँ 4.1। हाँ आप डाटा बुकलेट में या जब आप वो वैल्यू चेक करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। आपका 2022 का सिलेबस है और ये आपको अब पेपर के एंड में ये वाला चार्ट दिया हुआ होगा, यहाँ पे देख लें सी की वैल्यू क्या है। ठीक है पेपर के एंड में आपको ये वाला टेबल पूरा प्रोवाइडेड होगा और पीरियोडिक टेबल पूरा प्रोवाइडेड होगा। ठीक है तो 4.18 वैल्यू है, अगर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में सात ब्रैकेट में समटाइम्स वो 4.2 देता है, तो अगर 4.2 दी हुई है तो आप 4.2 यूज करेंगे, अदरवाइज आप ये यूज करेंगे। जी तो हम एमआर कैलकुलेट कर रहे थे, आई थिंक ये देख लें, ये जरा चेक कर लें मैंने सही वैल्यूज पुट की हैं या नहीं की, तो 144, 166, 266 342 आ रहा है। जी सर, या 344 आ रहा है? सर 342 342। ओके तो हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, नाउ सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। इस माइनस साइन को इसलिए लगाया जाता है ताकि इंथैल्पी चेंज के अकॉर्डिंगली हमें पता चले, अगर इसके बाद आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इट मींस वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर इसके बाद आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और यहाँ पे भी हम साइन पुट करते हैं चेंज इन टेम्परेचर में, क्योंकि हमने जब ऊपर चेंज इन टेम्परेचर निकाला था तो हमारे पास पॉजिटिव में ही आया था, तो इसीलिए हम पॉजिटिव में ही पुट करेंगे। किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे। नो सर। ओके आंसर कंफर्म कीजिए प्लीज। सर माइनस 5.6, माइनस 5.6 5.6 1000 से मल्टीप्लाई किया आपने? नहीं यस तो सर, माइनस फाइव उसे सिक्स किलो जूल्स में रखेंगे। हाँ, मगर जी सर और कोई कुछ मुझे शायद -5611 आ गया। सर मेरा भी यही आंसर आ रहा है। जी बेटा आप जरा कैलकुलेशन अपनी चेक करें जिन्होंने मुझे 5.66 बताया है। जी सर सर वही आ रहा है उसके वैल्यू, मतलब ये जो है -5611।
और नीचे लिखो ना किलो जूल्स, तो 5.6 लिखेंगे। बेटा ये किलो जूल 1000 इसीलिए लगाया है आपको, अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझाई तो है। 1000 लगाने के बाद किलो जूल्स में ही आएगा डायरेक्ट आंसर, आप फर्दर क्यों 1000 से डिवाइड कर रहे हैं? ओके सर, ठीक है, ये यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 1000 इसलिए यूज किया गया है ताकि किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाए खुद ही। अरे 1.0 क्या है? अरे जी अच्छा, ये करेक्शन कर लें, सॉरी ये मैंने वाटर लिख दिया। मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस यूज हुआ है उस सब्सटेंस के मोल्स हैं। मोल्स किसके इक्वल होते हैं बेटा? मास अपॉन एमआर के। सुक्रोज यूज किया गया था, उसका मास कितना था? 1 ग्राम। तो 1 डिवाइडेड बाय 342, इट्स एमआर। इज इट क्लियर? जी सबको क्लियर है ये यस पार्ट? सर, जी सर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4। एन अनलेबल्ड बॉटल कंटेन्स अ स्ट्रेट चेन हेलोजिनो अल्किन, यानी कि उसमें एक हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यू, ओके वो क्यू है, इज C5H11X, वेयर एक्स इज अ हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, हमें आइडेंटिफाई करना है। अब वो क्या कह रहे हैं? अ टेस्ट इज कैरीड आउट टू आइडेंटिफाई द हेलोजन प्रेजेंट इन क्यू। अ सैंपल ऑफ क्यू इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस एंड वार्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज देन एडेड, फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। अ क्लीन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व। तो ये क्लीन प्रेसिपिटेट अगर ऑब्जर्व हुए हैं तो इसका मतलब है कौन सा हेलोजन होना चाहिए? ब्रोमीन सॉरी, जी ब्रोमाइड, नॉट ब्रोमीन। सर। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्या है? इट्स अ ब्रोमीन और ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आयन की फॉर्म में पूछा जाएगा तो ब्रोमीन बताएंगे, बट ये जो क्लीन प्रेसिपिटेट है, ये बेसिकली क्लीन प्रेसिपिटेट का मतलब है कि ये सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं। याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शन में अगर सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं तो वो सिल्वर क्लोराइड होगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो क्रीम प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगे, यानी कि ऑफ व्हाइट। और अगर सिल्वर आयोडाइड होगा तो यू विल गेट अ येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो एक्स क्या है? इट मींस कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं तो एक्स मस्ट बी अ ब्रोमीन। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस राइट एन आयनिक इक्वेशन टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द क्रीम प्रेसिपिटेट, इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। तो देखें, क्रीम प्रेसिपिटेट हमने ऊपर वर्कआउट कर लिया किसके हैं, AgBr के हैं। आयनिक इक्वेशन पूछी जा रही है, तो इनके फॉर्मेशन की आयनिक इक्वेशन बहुत इजी है। इफ इट्स अ सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट्स हैं तो इसकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड। हियर यू विल यूज अ सिल्वर आयंस एक्वस एंड ब्रोमाइड आयन एक्वस, दैट्स इट। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? जी जी सर। ओके okay. डिस्क्राइब अ फर्दर टेस्ट विच वुड कंफर्म द कॉन्स आइडेंटिटी ऑफ एक्स। तो फर्दर टेस्ट क्या करते हैं हम इसके लिए? हम कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया यूज करते हैं, नहीं बल्कि डाइल्यूट अमोनिया यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। डाइल्यूट अमोनिया के साथ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया के साथ स्लाइटली डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है। डाइल्यूट अमोनिया यूज करने पे अगर सिल्वर ब्रोमाइड के क्रीम प्रेसिपिटेट हैं तो ये क्रीम प्रेसिपिटेट जो है वो पार्शियली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, पार्शियल प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व। अगर हम डाइल्यूट अमोनिया डालें और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए प्रेसिपिटेट तो इट मींस वो क्लोराइड था। डाइल्यूट अमोनिया डालने पे पार्शियल डिसॉल्व हो प्रेसिपिटेट तो वो ब्रोमाइड है, और अगर बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो तो फिर वो आयोडाइड है।
मतलब फुली डिसॉल्व नहीं होंगे। हाँ, जितनी अमाउंट हमें पहले दिख रही थी उससे कम अमाउंट दिखेगी, यानी कि उसमें से कुछ अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगी और कुछ अनडिसॉल्व रहेगी। ओके सर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख भी सर दे तो देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या फर्क होता? कॉन्सेंट्रेटेड में मसला फर्क ये होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड जो है क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता है। ओके ठीक है, और येलो ब्रोमाइड आयोडाइड को कोई भी डिसॉल्व नहीं करता। तो अगर मैं डाइल्यूट अमोनिया व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में डालूंगा तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगेन डाइल्यूट अमोनिया क्लीन प्रेसिपिटेट में डालूंगा तो पार्शियली डिसॉल्व होंगे, और अगर येलो प्रेसिपिटेट में डालूंगा तो देयर विल बी नो चेंज। बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया यूज करेंगे तो ये दोनों कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और येलो प्रेसिपिटेट्स अगेन नो डिसॉल्विंग डिसॉल्व नहीं होते। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। नहीं सर सर, अगर हम क्लियर है, क्लियर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम है। डालते हैं तो क्या होता है? सॉरी, अगर हम ये कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम डालते हैं तो क्या होता? बेटा अगर कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालते तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते। ठीक है फिर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। जी, ठीक है। जी सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। द रिएक्शन ऑफ क्यू विद एनओएच टेंड्स टू प्रोसीड वीया SN2 मैकेनिज्म। जी, अगर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो इट मींस क्यू कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? प्राइमरी। प्राइमरी। गुड, सो इट मींस इट्स अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सजेस्ट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेट चेन हेलोजिनो अल्केन क्यू। देखें, हमें पता चल गया स्ट्रेट चेन है, दूसरी बात हमें पता चल गई कि उसमें ब्रोमीन है, तीसरी बात उसमें कितने कार्बन हैं, C5H11 है, ये ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला तो पूरा पता चल चुका है, C5H11Br है और स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन का उन्होंने आपसे क्या बोला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये बात देख लें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, 3, सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स, थर्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स, फोर्थ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स, फिफ्थ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स, एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उन्होंने बोला है, तो आपने स्ट्रक्चरली लिखना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इफ यू रिकॉल, वी डू नॉट शो एनी बॉन्ड एक्सेप्ट इफ देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अदरवाइज कोई बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। सर वो होता तो कैसे दिखाते? ठीक है, यहां तक के? जी अब्दुल्ला, एक डबल बॉन्ड बना के दिखाइएगा कि अगर होगा तो कैसे दिखाएंगे? अगर डबल बॉन्ड होगा तो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर होता जहां पे भी होता, जिन दो कार्बन के बिटवीन, उन दो कार्बन के बिटवीन हम डबल बॉन्ड इस तरह शो करते और बाकी कंपाउंड एज इट इज रहता। ठीक है, ओके, नाउ एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन टेंड्स टू प्रोसीड वीया एन SN2 मैकेनिज्म रेदर देन SN1 मैकेनिज्म। जी, कौन प्राइमरी आंसर? कार्बोकैटायन।
सर पोलर सॉल्वेंट है। नहीं सर यह प्राइमरी कार्बोकैटायन। जी द इंटरमीडिएट फॉर्म इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है ना, क्योंकि यहां से ब्रोमीन हटेगा तो इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। इट हैव वन अल्काइल ग्रुप और प्राइमरी क्यों है, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे बॉन्ड हुआ हुआ होगा, बॉन्डेड टू इट। समझ नहीं आया, रिपीट कर। बेटा SN2 मैकेनिज्म अगर आप रिकॉल करें तो SN2 मैकेनिज्म, एक मिनट रुक जाए, ये देखें, ये SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता था अगर आप रिकॉल करें तो डायरेक्ट रिएक्शन होता था और आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ठीक है, और SN1 में क्या होता था, कार्बोकैटाइन फॉर्म होता था। तो वहां पे ये देखें, ये जो कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है ये टर्शरी कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है, बट अगर आप प्राइमरी की देखें, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, तो जो ब्रोमीन जिस कार्बन पे बॉन्डेड है अगर ब्रोमीन हटेगा तो वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनेगा और उस कार्बन पे आप देखें कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, दो हाइड्रोजन अटैच हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन सबसे लेस स्टेबल होता है, तो इसीलिए वो मॉलिक्यूल जिसमें प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनता है वो कार्बोकैटाइन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसमें प्राइमरी कार्बोकैटाइन की जगह इंटरमीडिएट जो है ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सॉरी दोनों मैकेनिज्म में क्या इंटरमीडिएट बनता है? हाँ, एक में ट्रांजिशन स्टेट होती है और एक में जो है आपके पास कार्बोकैटाइन होता है। तो द इंटरमीडिएट फॉर्म इज अ प्राइमरी कार्बोकैटाइन, इट हैव ओनली वन अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू इट, और इसकी वजह से उसका जो चार्ज है, सो द पॉजिटिव चार्ज इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पॉजिटिव कार्बन, हेंस इट इज वेरी लेस स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी और इसी वजह से, स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा इंस्टेड ऑफ SN1। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। टू डिफरेंट हेलोजिनो अल्केन्स पी एंड आर बोथ विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl आर सेपरेटली डिजॉल्व इन इथानॉल एंड हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथानॉल है तो कौन सा रिएक्शन होगा? कंटेनरेशन
जी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, वेरी गुड। इन दो कंडीशंस पे जो है अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज रिएक्शंस इज मिथाइल प्रोपीन। ओके, नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो ऊपर हमने डिसाइड कर लिया है क्या हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, राइट एन इक्वेशन यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देखिए मिथाइल प्रोपीन, तो टोटल कितने कार्बन है इसमें एक जी। मिथाइल प्रोपीन अगर कहा जा रहा है तो कितने कार्बन हैं, सर, फोर। एक फोर सर कार्बन है पांच कार्बन जी। बेटा, फोर। मैथ रेफर्स टू वन कार्बन एंड प्रॉप रेफर्स टू थ्री कार्बन। सो टोटल यू हैव अ फोर कार्बन एंड इट्स एन अल्कीन व्हिच मींस इट्स जनरल फॉर्मूला विल बी CnH2n व्हिच मेक्स इट C4H8। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। ओके, सो आवर रिएक्टेंट इज C4H9Cl एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद NaOH इथानॉलिक। इथानॉल इज द सॉल्वेंट। तो देखें हमारी प्रोडक्ट तो ये बन गई C4H8। तो अगर आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको कंपेयर करें तो इसमें से रिमूव क्या हुआ है, HCl रिमूव हुआ है जी। और जी सर HCl किस रिमूव। प्रेजेंस में रिमूव हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा जिसके रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, NaCl एंड H2O। तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। सर ये C4H9 है। बेटा C4H8 है, हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया ना C4H9Cl। तो ये है रिएक्टेंट, तो इधर से एक एच और एक सीएल निकल गया जिसने HCl बनाया। उस HCl ने क्योंकि सोल्यूशन में NaOH प्रेजेंट था, उस NaOH से रिएक्ट करने के बाद आपको ये दो प्रोडक्ट्स दिए हैं। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपीन। तो देखें अगर किसी को भी स्केलेटल फॉर्मूला बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप देखें प्रोपीन लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, थ्री कार्बन की है, 1 2 3। ईन आ रहा है इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड है और मिथाइल है साइड चेन है, तो ये बन गया। ठीक है, तो जब ये बन गया तो स्केलेटल फॉर्मूला आप बना सकते हैं, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन यहाँ ब्रांच में आ रहा है और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा दें तो ये आपका स्केलेटल फॉर्मूला रेडी हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, गिव द नेम ऑफ पी एंड आर। तुमने आपको बताया पी और आर दो डिफरेंट कंपाउंड्स थे जो कि दोनों जो है ये बना रहे हैं, तो अब जरा आइडेंटिफाई करें पी और आर क्या होने चाहिए। तो देखें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन इस कार्बन पे लगा हुआ हो और हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा हुआ हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लोरीन इस कार्बन पे लगा हुआ और हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा हो। दोनों केसेस में आपको यही मिलेगा ना, डबल बॉन्ड यहीं पे जी। तो सर हम डबल बॉन्ड की जगह नहीं बदल सकते। डबल बॉन्ड की जगह बदल भी दोगे तो भी यही बनेगा, देख लो। डबल बॉन्ड की जगह बदलो, बदल नहीं सकते ना, जो भी जगह लगाओगे वो कार्बन बन हो जाएगा। सही सर, सही। और उन्होंने आपको जो नेम बता दिया कि एक ही प्रोडक्ट बना बना बताइए मिथाइल प्रोपीन, तो मिथाइल प्रोपीन से ही बनना चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड की जगह तो बदली हो ही नहीं सकती। तो अगर मैं इस कंपाउंड का नेम दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इस कंपाउंड का नेम टू सर टू क्लोरो टू क्लोरो टू मिथाइल क्लोरो मिथाइल प्रोपेन।
ठीक है, और दूसरे कंपाउंड का नेम क्या दूंगा? वन क्लोरो वन मिथाइल, क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? यस सर। देखें इस तरह नेमिंग आपके पास आती है। ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर है सबको? ठीक ये ए है, इसका नाम येरा, और ये फॉर एग्जांपल बी है तो इसका नाम येरा। जी किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो पूछ लीजिए। ओके नाउ वी आर लेफ्ट विद द आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर हम नेक्स्ट पेपर जो स्टार्ट कर देंगे वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल ही शेयर कर दूंगा। तो अभी की क्लास तो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है? सर इसकी रिकॉर्डिंग में ओके रिकॉर्डिंग करता हूँ। ओके टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।